जेल के अंदर आई मालती चौहान की याद। आपको बता दे, अपने देसी अंदाज में मनोरंजन करने वाले यूट्यूबर मालती चौहान की अचानक मौत से उसके फैन काफी हैरान हैं। बीते दिनों यूट्यूबर मालती चौहान की पोस्टमार्टम सामने आई थी, जिसमें ये साफ हुआ था कि उन्होंने आत्महत्या की है। मालती चौहान का केस दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है। मौत से पहले अपने आखिरी वीडियो में मालती ने अपने पति विष्णु राज चौहान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके अलावा उनके पिता ने भी विष्णु राज पर अपनी बेटी के साथ मारपीट करने और घरेलू हिंसा के करने का संगीन आरोप लगाया था। आपको बता दें, मालती चौहान केस में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विष्णु राज को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि मालती की मौत उसके पति की बेवफाई की वजह से हुई है। कथित तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि राधिका नाम की लड़की के साथ विष्णु राज का अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से मालती ने मौत को गले लगा लिया। वहीं अब जेल में मालती का पति मालती को याद करके तड़प रहा है। जी हां, जेल में विष्णु राज को मालती की याद सता रही है। इस पूरे मामले में लोगों ने विष्णु के ऊपर आरोप लगाया था कि उसने ही मालती की हत्या की है। और वहीं एक बार जब विष्णु से पूछताछ किया गया कि क्या राधिका नाम की लड़की के साथ उसका कोई रिश्ता है, तब उसने इससे साफ इनकार कर दिया। मगर अपने आखिरी वीडियो में मालती चौहान ने यह आरोप लगाया था कि उसके पति का राधिका के साथ अवैध संबंध है। वहीं विष्णु राज पुलिस की हिरासत में है और पुलिस उससे इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। फिलहाल विष्णु अभी जेल में है। साथ ही ये बात भी सामने आई है कि मालती और विष्णु के बीच पिछले 2 महीने से अनबन चल रही थी और कई बार मामला थाने तक भी पहुंचा था।